नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। एक्टर से नेता बने पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब के ट्रेलर रिलीज पर विशाखापट्टनम शहर के संगम शरद थिएटर में हंगामा खड़ा हो गया। उनके फैंस बेकाबू हो गए और तोड़ा फोड़ी करते हुए थिएटर में घुसने लगे। यहाँ ऐसी भगदड़ मच गई जिसमें कई लोग घायल हुए। दरअसल पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब का ट्रेलर होली के दिन रिलीज करने का फैसला किया गया था और इसके लिए शहर के चुनिंदा सिनेमाघरों में सोमवार शाम 4 बजे का वक्त तय था। इसकी जानकारी मिलते ही संगम थिएटर के बाहर दोपहर से ही पवन कल्याण के फैंस जुटना शुरू हो गए और बेसब्री से ट्रेलर रिलीज का इंतजार करने लगे। ट्रेलर शाम 4 बजे रिलीज होना था, लेकिन फैंस पहले ही वहां पहुंच गए और एक्टर के लिए पूजा करने लगे। ट्रेलर के लिए फैंस का एक्साइटमेंट ऐसा था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और वहां भगदड़ मच गई। स्थिति ऐसे बेकाबू हुई कि थिएटर में लगा कांच तक टूट गया। हालांकि प्रशंसक इस पर भी रुके नहीं, बल्कि वो अंदर घुस गए। सभी फैंस एक्टर की एक झलक पाने को बेताब थे। इस घटना पर अभी तक पवन कल्याण की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि पवन कल्याण 2 साल बाद सिनेमा में कमबैक कर रहे हैं। वकील साहब बॉलीवुड की मशहूर फिल्म पिंक की रिमेक है। पिंक में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे। पहले ये फिल्म बीते साल 15 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ये पोस्टपोन हो गई। अब ये 9 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।